आज की ताजा खबर मशहूर डांसर शालू पुलिस की गिरफ्त में। आज की ताजा खबर। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि मुलजिम ने इकबाले जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा और अदालत से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका फैसला कर दें। योर ऑनर, मैं शालू से चंद सवाल पूछना चाहता हूं, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस शालू, क्या यह सच है कि आप अपनी खूबसूरती को बेचा करती हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि आप बियर बार में डांस करके लोगों का दिल बहलाया करती हैं। वो तो मेरा पेशा है वकील साहब, जैसे आप यहाँ पर झूठ को सच साबित करने का पेशा करते हैं। मिस शालू, आप सरकारी वकील के सवालों का जवाब ठीक तरह से दीजिए। सॉरी योर ऑनर। शालू जी, क्या यह सच है कि उन तीनों ने अपने साथ रात गुजारने के लिए आपको अपने घर बुलाया था? हाँ, ये सच है और मैं गई भी थी। आप गई थी और वहां जाकर बारी बारी से तीनों को कत्ल कर डाला? क्या आपके पास इस बात का सबूत है? वकील साहब, आप लाख कोशिश कर ले फिर भी मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। जज साहब, मेडिकल रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि उन तीनों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती, आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बात उन दिनों की है जब मैं शालू नहीं एक अल्लड़ सी शन्नो हुआ करती थी, जो अपने आप में अपने पिया के सपने सजोए हुए उसका इंतजार किया करती थी।
शनु, मैं कब से आवाज दे रही हूँ तुझे खाना खाने के लिए, और तू है कि यहाँ से हिली तक नहीं अभी तक। क्या हुआ शनु की माँ? ओफो, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती हाँ? तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा हुआ है। लड़की जाते घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? किसी घर जाएगी तो तुम्हारी नहीं मेरी नाक कटवाएगी। बापू। हाँ बोलो बेटा। देखो ना, माँ हमेशा यही कहती है कि लड़की की जात ये होती है वो होती है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बेटी, तेरी माँ जिम्मेदारी की बात करती है। शनो की माँ, एक बात कहूँ, हमारी शनो बेटिया बेटी नहीं है, बेटा है। इसलिए आज से ये सब बातें बंद, ठीक है बेटा? बिगाड़ो और बिगाड़ो, मुझे क्या, नाक तुम्हारी कटवाएगी मेरी नहीं। बेटा, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ, खाना खाकर सो जाना। देर रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं चलता हूँ। हाँ, खुश रहो। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगी जिसे तुम्हारी नाक कटे। अरे मैं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी, श्रीदेवी की तरह। सुनीता, हाँ? देखना, मैं एक दिन टॉप की हीरोइन बन जाऊंगी। ऐसा? अरे बिहारी तू, लगता है अभी अभी शहर से आ रहा है। अरे वाह, सनो का पहचाना है। अरे अभी तो अपन बम्बई का बस से उतरा हूँ। अच्छा, वो सनु तेरा हीरोइन बनने का चक्कर का हुआ रे? हीरोइन में? हीरोइन तो बनना है ना मुझे, लेकिन तू तो घास ही नहीं डालता, नहीं तो मैं कब की टॉप की हीरोइन बन जाती। अच्छा तू एक काम कर, तू कल मेरे को रात को इधर मिल, मैं तेरी मदद करूंगा। पक्का? हाँ 100% पक्का। लेकर जाएगा शहर मुझे? हाँ लेकर जाऊंगा, तू कल मिल, अपन बात करते हैं। चल। अच्छा। अरे सुनीता, देखना इस बार मैं टॉप की हीरोइन बनकर दिखाती हूँ। अच्छा? चल। जब देखो घर का काम घर का काम। माँ समझती नहीं है मुझे हीरोइन बनना है, इतना काम करूंगी तो मेरा हाथ खराब हो जाएंगे, नाखून टूट जाएंगे। शन्नो, जरा इधर तो आना। आई माँ। ए चुप, माँ बुला रही है। देखो जी, मैं आपको बताए देती हूँ कि शन्नो के लक्षण इन दिनों में ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। हर वक्त वो हीरो हीरोइन के फोटो लिए बैठी रहती है। कल रात जब मैं उसके कमरे में खाना लेके गई तो वो हीरो हीरोइन के फोटो देख रही थी। एक बात बताओ, अभी वो बच्ची है, ना समझ है, धीरे धीरे सब कुछ जान जाएगी, सब समझ जाएगी। बच्ची है ना समझ है, इसीलिए तो कहती हूँ कि अच्छा सा कोई लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दो। हाँ शन्नो की माँ, जब तुम इतना कह रही हो तो जरूर तुमने कुछ देखा होगा, तभी तो कह रही हो। और आखिर तुम उसकी अपनी माँ हो, कोई सौतेली माँ तो नहीं। ठीक है, मैं एक महीने के अंदर अपना एक दोस्त है श्रीकांत, उसके बेटे राम का हाथ मांग लेता हूँ। और वो हमसे ना भी नहीं बोलेंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उन्होंने 2 महीने पहले ही अपने बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ मांगा था। हाँ? क्यों बापू, कौन किसका हाथ मांग रहा है? आओ बेटी, आओ 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 बैठो। बात यह है बेटी, अपने वो दोस्त है ना श्रीकांत जी, उन्होंने अपने बेटे राम के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। लड़का बड़ा अच्छा है, लंबा गोरा खूबसूरत है, अरे सरकारी स्कूल में शिक्षक है, अच्छा कमाता है, और साथ में उनका अपना घर भी है। क्यों शन्नो की माँ? तू शन्नो के बापू और क्या चाहिए? हाँ? अच्छा लड़का है, अच्छा रिश्ता है, तो कर दो हाथ पीले। हाँ? नहीं बापू, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे बहुत पढ़ना लिखना है और कुछ बन के दिखाना है। चुप कर, हम तेरे माँ बाप हैं। हाँ? क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें मालूम है। समझते ही नहीं, मुझे टॉप की हीरोइन बनकर दिखाना है। हाँ शन्नो की माँ, आजकल मुझे भी इसकी हरकतें ठीक नहीं लगती, लगता है दाल में कुछ काला है। मैं कल ही श्रीकांत जी के पास जाता हूँ, ठीक है?
ठीक है, पर आप खाना तो खा लो। अच्छा तुम कहती हो तो खाना भी खा लेता हूँ। शन्नो, अगर तेरे माँ बाप ने तेरी शादी कर दी तो तेरे सपनों का क्या होगा? जो तू देखा करती है, फिर तो हीरोइन कैसे बनेगी? मेरा कहना मान, तू उस बांके बिहारी के साथ बंबई भाग जा, वो तुझे टॉप की हीरोइन बना देगा, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर देखना, तेरे माँ बाप भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। देख बिहारी, तू तो अपना काम करके यहाँ से चला जाएगा, मगर ये गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। अरे जब आग में हाथ डाला है तो हाथ जलने से डरती क्यों है? वैसे भी तू फिकर मत कर, अपने खेल में खिलाड़ी का तो वो हाल होता है जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, समझे? वो देख सन्नो आ रही है। वैसे तू जाने, तेरा काम जाने, उसे कैसे आईने में उतारेगा तू जाने। तू फिकर मत कर, अरे आज ऐसे बाटल में उतारूंगा कि जिंदगी भर गुलामी करेगी। अरे सुनीता, मैं आई हूँ, तू चल दी, मुझे कुछ घर में काम है। हाँ जा जा जा। हाय बिहारी। हाय सन्नो, बड़ी अच्छी लग रही है। थैंकू। अच्छा सन्नो एक बात बता, तूने कभी ड्रामे वरामे में काम किया है का? किया तो नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है, बस करने का मौका नहीं मिला। घर में इस बात के लिए सब लोग खिलाफ है ना। अरे तो फिर तू मुंबई कैसे जाएगी? और साथ ही साथ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बम्बई जाने के लिए पैसा भी लगता है? देख, बम्बई जाके ना तेरे अच्छे अच्छे फोटो निकालने होंगे, तेरे को अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदनी होगी, और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है ठीक है, वो तो सब मैं कर लूंगा, लेकिन ये बता तू बम्बई चलेगी कब? अगर तू मुझे बहुत जल्द हीरोइन बनाएगा ना, तो मैं आज ही चलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना शन्नो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तू मेरे साथ जा रही है। शन्नो नाम है मेरा, किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। तो फिर मिला हाथ। अब देखना, मैं तुझे टॉप की हीरोइन बनाऊंगा। बिहारी नाम है मेरा, और तेरे जैसी लड़की का उद्धार करना काम है मेरा। तू एक काम करना, रात को 2 बजे नुक्कड़ पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? जा जल्दी तैयारी कर। ठीक है। शन्नू के बापू, देखो तो मैंने शन्नू के लिए कितना जेवर बनवा कर रखा है और कितनी जतन से रखा है। अरे शन्नू की माँ, तुमने तो मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। अब मैं कल ही जाकर शादी का दिन तय करके आता हूँ। किसके शादी के दिन तय कर रहे हो बापू? अरे माँ, इतने अच्छे जेवर तुम्हारे पास, मुझे बताया भी नहीं तुमने। हाँ, ये सब तेरी शादी के लिए बनवाया है, अब कल से तेरा घर से बाहर जाना बंद। बाबूजी। हाँ बेटी, क्योंकि कल मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की करने जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन कुछ नहीं, कल से घर से बाहर जाना बंद। चलो अपने कमरे में, हमें तंग मत करो। जाओ बेटा। शन्नो की माँ, हाँ? जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, और हमारी बेटी शन्नो को भी खाना दे दो, क्योंकि वो अब इस घर में चंद दिनों की मेहमान है। शन्नो के बापू, लड़की तो पराया धन होती है, तो सभी को पराई करनी पड़ती है, वो तो होती ही है पराया धन। तुम शन्नो की माँ सच कह रही हो, वाकई मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे शन्नो जैसी बेटी और तुम जैसी पत्नी मिली। नहीं शन्नो के बापू, तुमसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। शन्नो, इससे पहले कि तेरे पाँव में शादी की जंजीरें डाल दी जाए, तू भाग जा,
तो इस पिंजरे को तोड़कर भाग जा। माँ, मुझे गलत मत समझना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और न ही कोई गलत काम करने जा रही हूँ। मैंने फिल्म हीरोइन बनने का जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए मुंबई जा रही हूँ। और अपने खर्च के लिए आपने जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए थे, उसे भी ले जा रही हूँ। आज नहीं तो कल वो जेवर मेरे ही काम आने वाले थे, और जैसे ही मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, मैं खुद चली आऊंगी। आपकी प्यारी शन्नो। शन्नो के बापू, शन्नो के बापू, उठिए, उठिए ना। अरे अरे, तुम क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? हम लौट गए। शन्नो तो अपने घर जाएगी ना, आप काहे का शन्नो का बापू? हम बर्बाद हो गए, शन्नो घर छोड़कर चली गई है। क्या हुआ? ये देखिए। दिखाओ। अरे शन्नो, ये तूने क्या किया? अरे तूने मेरे से नाक कटवा दी शन्नो, अब मैं कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। अरे शन्नो, क्या हुआ तुम्हें? उसने मेरे शन्नो के बाबू, क्या हुआ? वाह शन्नो वाह, आज तो तू कमाल लग रही है यार। अच्छा एक काम कर, तूने अजंता एलोरा की मूर्ति देखी है ना? उस टाइप की कुछ अच्छी अच्छी पोजेस दे दे, मैं तेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचता हूँ। तस्वीर? मैं समझी पोज माने क्या? नहीं, तस्वीर अच्छी अच्छी चल। बहुत बढ़िया, अब थोड़ी आगे आगे, अब थोड़ी ऐसे। वेरी गुड। अभी बहुत अच्छे, अब तू थोड़ा लेट जा। हाँ थोड़ा हल्का बस। वाह वाह, कमाल है कमाल है। आगे अभी ऐसे 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 रहना। वाह क्या बात है, क्या बात है, देखना एक दिन तुझे मैं टॉप की हीरोइन बना दूंगा। शन्नो बहुत खूबसूरत लग रही है आज तू। तुझे मैं गांव में खूबसूरत नहीं नजर आई? अरे आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है।
लेकिन बिहारी तू मुझे हीरोइन तो बनाएगा ना? अरे देखना, मैं तुझे टॉप की हीरोइन बनाऊंगा। सन्नो, मैंने कितनी लड़कियों की तस्वीर निकाली है, कितनी लड़कियों को हीरोइन बनाया है, लेकिन मुझे किसी ने तेरी तरह दीवाना नहीं बनाया है। तूने तो आज ही मुझे दीवाना बना दिया है। सन्नो, ए बिहारी, आ भी जा। अरे आ जा। नहीं बिहारी। देख सन्नो, आ तू मुझे ना मत कहना। नहीं बिहारी। सन्नो तू मेरी बात सुन, तुझे टॉप की हीरोइन बनना है ना? हाँ। तो फिर मेरी बात सुन, जो मैं बोलता हूँ वही तो कर, ठीक है? ठीक है। अरे I love you, शन्नो। क्या मतलब? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ बिहारी। अच्छा। तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? मुझे बहुत कितनी बार कहूँ मैं। बिहारी मुझे हीरोइन बना देगा ना? जरूर बना दूंगा, टॉप की हीरोइन बना दूंगा तुझे। ये बहुत बुरा हुआ बिहारी, अब मेरा क्या होगा? अरे तू फिकर क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तू देखना मैं तेरे लिए क्या करता हूं। अच्छा बिहारी। हाँ? मुझे सुभाष घई से मिला ना? अरे सुभाष घई से तो मिलवाऊंगा ही, लेकिन उनके जो फाइनेंसर है ना, जो पैसा लगाते हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, उनको किसी चीज के लिए ना मत बोलना, समझ ले? तू टॉप की हीरोइन बन गई। लेकिन वो मुझे पसंद करेंगे ना? अरे तुझे तो पहली नजर में ही पसंद कर लेंगे, तू है ही इसी लायक। भाई कोठारी, बहुत दिनों से उस साले बिहारी ने चक्कर नहीं लगाया। अब बताइए राय साहब, आपको तो मालूम है वो लगा होगा किसी लौंडिया की तलाश में। राय साहब, एक जमाना हो गया किसी अनछुई लड़की से प्यार किए हुए। जमाना फिर आएगा? अरे भाई जमाना तो आएगा, ये देखो बिहारी आ गया। प्रणाम प्रणाम। आओ बिहारी आओ। भाई बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया, कोई नई दुकान तो नहीं ढूंढ ली? हाँ। अरे राय साहब कैसी बातें कर रहे हैं, इस शहर में आपसे बढ़ के कोई खरीदार है क्या हमारे हिसाब में? अच्छा बिहारी, ये तो बता के इस बार माल कैसा लाया है। अरे सरकार देखते ही मुंह से लार टपकने लगेगा। हाँ। खाली फोकट बातें ही करते रहोगे या कुछ दिखाओगे भी? ये देखिएगा तस्वीर, क्या कैसे लगी? वाकई बिहारी ये लड़की कमाल है भाई, धमाल है। भाई बिहारी, ये लड़की तो कमाल की है। वाह वाह। अरे बिहारी तू तो कमाल का जोरी है, साला ऐसे ऐसे पटाखे कहां से ढूंढ कर लाता है? अरे सरकार आप लोग आम खाने से मतलब रखिए, कहां से लाता हूँ इसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो फिर फटाफट कल लेके हमारे पास आजा। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये पहली वाली जैसी लड़की नहीं है, इसको हम हीरोइन बनाने के लालच से लाया हूँ। इसके साथ कुछ शूटिंग वूटिंग का नाटक करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा बिहारी एक काम कर, कल इसे हमारे पनवेल वाले फार्म हाउस में ले आ, वहाँ हम इसका पूरा स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे। राय साहब लगता है आप सठिया गए हो,
हम इसे वहाँ स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला रहे हैं क्या? कोठारी, यही फर्क है तुझ में और मुझ में, वरना आज मैं तू होता और तू मैं। कल हमारे फार्म हाउस पर इस लड़की पर एक रेप सीन फिल्माया जाएगा और रेप करने वाले खलनायक होंगे हम तीन। मान गए राय साहब, आप तो हमरे भी बाप निकले। तो कल हम मिलते हैं शाम को लड़की के साथ। ये लो भाई अपना एडवांस और बाकी की रकम स्क्रीन टेस्ट होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कल मिलते हैं। कल आना जरूर भैया, जय राम। बिहार में मत रह जाना। भाई ऐसा होगा, हाँ। कल आप बनेंगे राइटर, आप डायरेक्टर और हम फाइटर। प्राइवेट लिमिटेड। सन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बिहारी, कुछ बात बनी? अरे कुछ का पूरी बात बन गई है। कल शाम की 7 बजे की मीटिंग फिक्स करके आया हूँ, अपने को चलना है। हाँ, सुभाष भाई के पास। अरे सुभाष भाई का चीज है? अरे सुभाष भाई को जो पैसवा लगाता है ना फाइनेंसर, उसके साथ मीटिंग फिक्स किया हूँ और कल हमको चलना है, समझी? बिहारी, ये एहसान तुम्हारा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सच्ची? तो फिर लग जा गले, आज की रात मुझे खुश कर दे। बुरा नहीं मानना राज साहब, इस बार पहला चांस मैं लूंगा, क्योंकि पिछली बार आपने लिया था। अरे वाह कोठारी, पिछली बार तो तूने पहला चांस लिया था, इस बार पहला चांस मैं लूंगा। क्या मैं तेल लेने गया हूँ? जाओ ना तेल। अरे भाई, तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे आज तक तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी। और तुम क्या समझती हो, ये जो बिहारी है, ये लड़की पर बगैर हाथ साफ किए यहाँ तक गया था? अरे बड़ी ऊंची चीज है ये, पहले ये हाथ साफ करके अपना कमीशन खड़ा करता है, फिर लड़की को यहाँ लाता है। ऐसा? और पहला चांस ना तुम लोगे ना तुम लोगे, पहला चांस मैं लूंगा। ये बहुत बेइंसाफी है। अब एक काम करो, दारू पियो और फालतू की बात में अपना टाइम बर्बाद मत करो। चीयर्स। 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 राय साहब, वो देखिए बिहारी के साथ छमिया भी आ रही है, क्या कमाल की छमिया है। आओ भाई बिहारी आओ। गुड इवनिंग सरकार, ये लड़की देखिए साहब, एकदम स्टार मटेरियल है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। बस एक बार आप अपनी पिक्चर की हीरोइन बना दें, इसका भी भला हो जाएगा। देखो बिहारी, ऐसी लड़कियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिल्म शुरू होने से पहले तो ये हर बात के लिए हाँ करती हैं, लेकिन जब एक बार कैमरे के सामने जाती हैं तो कहती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी, मैं रेप नहीं होंगी, मैं ये नहीं दिखाऊंगी। और बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर खाते हैं मेरी जान और मेरा पैसा देने से इनकार करते हैं ये कहकर कि ये आपकी रिकमेंडेशन है। तो भैया मैं फंसना नहीं चाहता, क्या तो इससे कहिए कि जो हम कहते हैं वो सब करने के लिए तैयार हो जाए और बिल्कुल हमसे वादा करे कि जैसा हम कहेंगे वैसा ये करेगी कैमरे के सामने। और भाई देखो बिहारी, तुम तो जानते हो पिछली बार हमने जो स्क्रीन टेस्ट लिया था लड़की का, वो तो बीच में रेप सीन छोड़ के चली गई। कहती है कि उसके जो साथ का आर्टिस्ट था उसके बदन पे इधर उधर हाथ लगा रहा था। अब ये सब तो एक्टिंग में होता है, हाथ लगाना कोई गुनाह थोड़ी है। अब इसे पूछ लो ये करेगी या नहीं। अच्छा बिहारी, तुम इनसे पूछ लो कि अगर रेप करते वक्त कहीं हाथ इधर उधर चला गया तो इन्हें इतराज तो नहीं होगा? अगर सीन की डिमांड हो तो हाथ लग जाए तो कोई बात नहीं। अरे बड़ी बड़ी हीरोइन अब तक नहीं करती। देखो डिमांड रिमांड मुझे नहीं मालूम, इससे खुल्लम खुल्ला अल्फाजों में ये पूछो कि जैसा हम इससे कहेंगे कैमरे के सामने वैसा ये करेगी या नहीं। बिल्कुल करेगी, करेगी ना। अरे हाँ बोल दे, बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी, हाँ बोल दे ना। ठीक है मैं कर लूंगी। तू करेगी तो मेरी फिल्म नहीं मरेगी। और तू हीरोइन जरूर बनेगी। देखो हम चलता हूँ, हमको काम से जाना है। सन्नो, तेरे को इनका ड्राइवर घर छोड़ देगा। हाँ ठीक है,
तो हम चलता हूँ। अच्छा बिहारी, तू बिहार चल रहा? हाँ शन्नो, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम एक अबला लड़की हो, एक रास्ते पर अकेली खड़ी हो, यहीं बैठी हो जैसे अभी बैठी हो, और वहां तीन बदमाश आ जाते हैं जो तुम्हारे बलात्कार करने का प्रयास करेंगे, तो तुम्हारे और उनके दरमियान जो भी चीजें हैं पहले तो वो हटा देते हैं। ऐसे ऐसे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी खड़ी, उसके बाद खड़ी हो, उसके बाद एक बदमाश तुम्हारी साड़ी उतारने का प्रयास करता है, तुम घूमते रहो। हाँ घूमते रहो। हाँ तो पिन निकल जाएगी, इसमें क्या है? हो जाएगा, हो जाएगा, तुम सिर्फ घूमते रहो एकदम। और तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम घूम रही हो, बौखला गई हो कि कौन है, क्या कर रहे हैं? उसके बाद वो तीनों तुम्हें पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उठाते हैं ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, और आराम से लिटा देते हैं ऐसे। हाँ हाँ, उसके बाद एक बदमाश तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है, ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहे हो? नहीं सीट निकल जाना, बाहर कोई ऑटो मिल जाएगा, बैठ कर निकल जाना। अच्छा तुम एक बात बताओ। हाँ साहब। वो जो इंस्पेक्टर रवि वर्मा हेड क्वार्टर से हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले थे, वो आए कि नहीं? साहब आ तो गए हैं, फोन आया था, बोले कि सवेरे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अगर वो आ जाए और ड्यूटी ज्वाइन कर ले तो उनसे कहना मुझसे आकर मिले। ठीक है। और दुबे, मैं राउंड पर जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई वारदात हो जाए तो जरा संभाल लेना। अरे साहब आप जाइए, आराम से सवेरे आइएगा, हम हूं ना यहाँ। ठीक है, कौनो टेंशन की बात नहीं है। ओके। अरे खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, जाकर बोतलवा लाओ, टाइम हो गया है जी भाई। साहब अभी लाता हूं। गर्मी इतनी पड़ रही है और खड़े होकर निहार रहे हैं हमको है। अरे दुबे आहा,
हैसियत लूट ली। बैठो बैठो बैठो, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ की रहने वाली हो तुम? साहब, मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रामपुर गांव की रहने वाली हूँ। बिहारी नाम के एक आदमी ने मुझे हीरोइन बनाने का लालच देकर शहर ले आया। कुछ महीनों मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर अपने दोस्तों के पास मुझे बेचकर मेरी इज्जत लुटवा दी। ओहो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये हरामखोर वही बिहारी तो नहीं जो जूहू गली में रहता है? हाँ, हाँ, वही है, वही है। ये उसके साथी वही तो नहीं राणा राय साहब जो है सो वही थे ना? हाँ, हाँ, वही थे, वही थे। अरे बाप रे, तो ये बात है। ओहो, तनिक एक मिनट उठो तो सही। उठो, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई देख रहे हैं तुम्हारे साथ रेप हुआ है, तो कैसे हुआ उसका निशान देख रहे हैं भाई। क्या कि पंचनामा लिखना पड़ता है ना, रपट लिखनी पड़ती है पूरी, तो उसके लिए सब देखना पड़ता है कि कहीं कोई निशान तो नहीं है ना। निशान तो, अच्छा बात बताओ, जब तुम्हारे साथ रेप हुआ तब तुम उस वक्त कपड़े में थी या बगैर कपड़े थी? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बात क्या कर रहे हैं भाई, देखना पड़ता है ये सब, तो नाराज मत होइए ना। कहा है कि पंचनामा लिखना है, रपट लिखनी है ना। एक मिनट छोड़िए इसको, अरे निशान देखना भाई हमको। शहर भाग आई थी और यहाँ आकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब मैं अपने माँ बाप से क्या कहूंगी कि मैं शहर में हीरोइन तो नहीं बन पाई लेकिन अपनी इज्जत गवा बैठी। हे भगवान, अब मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाने दिया होता। अरे वाह,
एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भगवान ने इतनी खूबसूरत शक्ल तुम्हें दी है, क्यों मना चाहती हो तुम? यही खूबसूरती तो मेरे लिए एक अभिशाप है। अभिशाप? मैं कुछ समझी नहीं। इस खुशफहमी में कि मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ, हीरोइन बनने के चक्कर में बिहारी नाम के एक आदमी के साथ गांव से शहर भाग कर आई और उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बिहारी वो तो नहीं जो जुगली में रहता है? हाँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? हाँ, क्योंकि इसी आदमी ने मुझे बर्बाद किया। ये आदमी मुझे सपने दिखाता रहा कि मुझे हीरोइन बनाएगा और प्रोड्यूसर को मेरे फोटो दिखाएगा। एक एक कर मेरी नंगी तस्वीरें खींचता रहा और उन्हीं तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल करने लगा। रीटा, अब कुछ ग्लैमरस फोटो निकालते हैं। ये जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर का, ये जरा निकाल दो। निकालती हूँ। हाँ, निकाल दे, निकाल दो। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। स्माइल। हाँ, ये भी निकाल देना। ये भी निकाल दूँ? इतना अच्छा फिगर है तेरा, निकाल दे। वाह वाह। ये हुई ना बात। वाह वाह, भगवान ने भी क्या फिगर बनाई है तेरी। लगता है तेरा काम बन गया। ये अंगलबा ठीक है। हाँ, और इस तरह हीरोइन बनते बनते मैं बियर बार की डांसर बन गई। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह बियर बार में डांस करो। तुम्हें बिहारी से बदला लेना है तो आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ, आओ। अरे यार, बहुत दिनों से बार में गए नहीं। यार, भैया को अगर पता चल गया तो अपनी तो खैर नहीं है। हेलो, आज पता चला भैया की उंगली पकड़ने वाला लड़का है ये? ऐसी बात नहीं है जानी भाई। तो फिर कैसी बात है रे? बोल ना रे, काहे को टेंशन दे रहा है रे? ये जगह अपने लायक नहीं है। इस जगह से हमारा क्या लेना देना? लेना देना? अरे उस जगह से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन उस जगह में जो डांसर डांस करती है, हाय हाय जुल्फे, हाय हाय पतली कमर, और क्या कमर हिलाती है। अरे वो कमर नहीं है रे, कमरा है, पूरा कमरा। अच्छा, तो ये बात है। तो कल की शाम गोल्डन बार के नाम।
छिड़कर दुबे, इन लोगों को लॉकअप में डाल दो। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात उन लड़कों के साथ में आपने सर के भाई को क्यों बंद कर दिया? तो बे, कानून की नजरों में कोई भाई या कोई बाप नहीं होता, मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मैं राय साहब का वकील हूं खन्ना। बैठिए। ये रहे राय साहब के लड़के के जमानत के कागजात। हवलदार सर, जाओ लड़कों को ले आओ। वकील साहब, राय साहब को कह दीजिएगा कि अपने लाडले बेटे को संभाल कर रखे, और उन्हें यह भी कह दीजिएगा कि अपने बेटे को अच्छी तरह समझाए कि वो दोबारा ऐसी छिछोरी हरकत ना करे, वरना ये उनके बेटे की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। जी कह दूंगा। जाओ, तुम लोग जा सकते हो। चलिए। सर हमारी समझ में एक बात नहीं आई, आपने राय साहब के बेटे को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने सर के भाई को छोड़ा नहीं आपने। अरे भाई, उसकी क्या गलती? जब बार के अंदर लफड़ा शुरू हुआ, उसने तो बीच बचाव करवाया था। दुबे, कानून की निगाह में कोई भाई कोई बाप नहीं होता, मुजरिम मुजरिम होता है। जाओ तुम फाइल ले आओ। जी सर। बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मैं ये कहने आई हूँ, कल रात जो मेरे साथ हादसा हुआ, उन लड़कों में एक आपके सीनियर का भाई भी है। लेकिन गुनाह तो उसने किया है ना। मुझे बचाकर उसने कौन सा गुनाह किया है? अगर वो मुझे नहीं बचाता तो मेरी इज्जत के साथ साथ जान भी चली जाती। इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ दीजिए। ओके, आप जाइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ऑल राइट। यार जानी, एक बात बता, तेरी शक्ल तो बिल्कुल जॉनी लीवर से मिलती है। हाँ, सभी तो बोलते हैं। तो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता? अरे शक्ल मिलने से क्या फायदा, इसे एक्टिंग कहाँ आती है? ए, तेरे को क्या लगता मुझे एक्टिंग नहीं आती? देख, एक्टिंग करके बताता हूँ। खामोश। कमाल की बात करता है, तेरी जात का फायदा मारो। किरण, किरण मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किरण। हाँ। अरे ताली वाली छोड़ो यार, पहले बताओ कल रात बार में मजा है कि नहीं? अरे होना क्या है जॉनी भाई, अपना राजेश तो गया काम से। काम से गया? कल रात में इसका दिल आ गया बियर बार वाली पर। दिल आ गया बियर बार वाली पर? बियर बार वाली
इसका मतलब वो बियर बार वाली कोई डांसर नहीं होगी, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा होगी। बिल्कुल 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 तो ठीक है, मेरे भाई का दिल आ गया उस पर, अभी चलते उसको उठा के लाते हैं। अरे जॉनी भाई, आग बराबर की दोनों तरफ लगी हुई है। आग बराबर की दोनों लगी है, अरे इस चक्कर में रहेगा ना तो राखी बांध के चली जाएगी। चल चल जल्दी रीटा, दिल करता है कि अपने गांव जाऊं, अपने माँ बाप से मिलूं, उनका हाल कैसा है देखूं, बहुत याद आती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लाऊं ना जाकर? नहीं रीटा, वो लोग मुझसे पूछेंगे तुम क्या करती हो, तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि मैं शराब खाने में शराबियों के बीच नाचती हूँ गाती हूँ। ओफो शालू, अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो। हाँ अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे माँ बाप का हाल जाकर पूछूं। ये सही रहेगा रीटा, प्लीज। ठीक है, मैं कल सुबह चली जाती हूँ और एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। माँ। वही राना। हाँ। उस दिन मेरे लड़के ने जिस बियर बार में मारा मारी की थी, उस बार की डांसर है पटाखा। हाँ। जरा बिहारी से तो कहोगे वहाँ अपनी फिटिंग कर दे। अरे साहब, वैसे भी काफी दिन हो गए शिकार किए हुए। वो तो बात सही है राय साहब, मैंने तो सुना है कि इंस्पेक्टर के भाई और आपके बेटे में खूब धमाधम हुई उस छमिया के लिए। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, अब मैं अपने छोटे मियाँ को भी समझा दूंगा कि बेटा अब्बा मियाँ के रास्ते में मत आओ। चाचा लोगों के लिए भी बोल देना कि रास्ता छोड़ दे उनका। वो तो पहली चीज है। तो ठीक है राय साहब, अभी मैं बिहारी के कान में ये बात डाल देता हूँ कि कल का प्रोग्राम फिट हो जाना चाहिए। हेलो बिहारी। हाँ मैं राणा बोल रहा हूँ। अरे सरकार, कैसे याद किया? देखो बिहारी, जरा ध्यान से सुनो, वो गोल्डन बियर बार वाली डांसर के साथ हम तीनों का प्रोग्राम फिक्स कर देना, ओके? अरे सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर। देखो भाई, कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया, कल बिहारी जाकर उस डांसर से मिल लेगा और प्रोग्राम फिक्स और हम तीनों हिट। ये हुई ना राणा वाली बात, इसीलिए इसका नाम राणा है। बहुत बदमाश है ये। हिटिंग और फिटिंग में एकदम मास्टर है। भला इन लोगों को कोई काम धंधा है कि नहीं? जब देखो लड़की चाहिए। अरे लड़की के अलावा कुछ चाहिए कि नहीं? ठीक है चल बेटा बिहारी, लग जा काम पे, नए शिकार की तलाश में। हाय शालू। अरे तुम और यहाँ? बस मिलने की इच्छा हुई और चला आया। एक बात कहूँ, तुम यहाँ मत आया करो। क्यों? ये अच्छी जगह नहीं है, मैं एक बार की लड़की हूँ। तो ऐसे काम करती है क्यों? मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। क्या मजबूरी है मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। आइए बिहारी जी। कैसे आना हुआ? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। देखा होगा किसी बार में, वैसे मेरा पेशा तो यही है ना, आज इस बार में, कल उस बार में, परसों किसी और बार में। लेकिन आपकी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती है। देखो दुनिया इतनी बड़ी है, किसी न किसी कोने में मेरी जैसी डुप्लीकेट होगी या मैं किसी की डुप्लीकेट। होता है ना, एक शक्ल की चार पांच लड़कियां होती है, उनमें से मैं भी एक हूँ। वैसे आपकी शक्ल भी हेमंत बिरजे जैसी ही लगती है, लेकिन आप हेमंत बिरजे नहीं है, आप बिहारी हैं। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? बात दरअसल ये है कि हमारे मालिक जो है आपके हुस्न के गुलाम हो गए हैं, अब वो आपके हुस्न को मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, इतना बताइए कब और कहाँ? लेकिन मैं देखो, मैं
एक साथ तो प्रोग्राम नहीं रख सकती ना, आप तो जानते हैं कि एक लड़की चार चार को कैसे खुश कर सकती है। वन बाई वन, एक के बाद एक। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन लोगों से समय फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा, फिलहाल ये एडवांस रखिए। अरे ये पैसा कहाँ भागे जा रहा है? अच्छा तो चालू भूलना नहीं, कल की शाम हमारे सेठ के नाम, ठीक है? जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। बिहारी, कल की तेरे सेठ की शाम है ना, भगवान के नाम। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम एकदम ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको एकदम टाइम पर फ्लैट मिल जाएंगे, ठीक है? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिहारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बिहारी, क्या बात है? हाँ कोठारी साहब, सालू के साथ प्रोग्राम फिक्स। क्या बात है, सालू तैयार हो गई? तब तो आज की रात मजा आ जाएगा बिहारी, मानना पड़ेगा, तू सिर्फ नाम का ही नहीं काम का भी बिहारी है। वो आज रात को 9 बजे होटल ब्लू मून के रूम नंबर 104 में आपको मिलेगी। 9 बजे? बात करता है, मैं 9:45 बजे पहुंच जाऊंगा ऐसे शुभ काम के लिए। अच्छा ठीक है बिहारी, 9:45 बजे मिलते हैं। आज की रात शालू के नाम। शालू जी प्रोग्राम फिक्स किया है, आज रात 9 बजे होटल ब्लू मून रूम नंबर 104, वहां आपको कोठारी साहब मिलेंगे। ठीक है, मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। हाँ। बिहारी याद रहे, वहां मेरे और कोठारी साहब के अलावा कोई नहीं चाहिए। आप चिंता नहीं ना कीजिएगा, वहां आप दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होगा, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिएगा, देखना शहर के एक एक रईसों को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा, लेकिन आप जरा मेरे कमीशन का ख्याल रखिएगा। अरे तुम कमीशन के क्यों फिक्र करते हो, ले लेना, दुगना ले लेना। ओके बाय। कोठारी कोठारी, कल तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, कल तू यहाँ नहीं भगवान के पास होगा। बेटा बिहारी, तेरी तो सालू के जरिए से निकल पड़ी है। सालू। अरे रीटा तू आ गई। अच्छा रीटा बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं? सालू वो तुमसे इतना नाराज हैं कि इस जन्म में तो तुमसे नहीं मिल सकते। ऐसा मत कहो। शालू असल में तुम्हारे घर से भागने के बाद उन लोगों का हार्ट फेल हो गया। क्या? मैं ठीक बोल रही हूँ शालू? इन सब के लिए जिम्मेदार बिहारी है। बिहारी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बिहारी। कमेन दरवाजा खुला है। क्या फिगर है, क्या जवानी है, लगता है मैंने पहले भी कहीं देखा है। अजी सरकार, मैं तो ठहरी बार डांसर। हाँ? देखा होगा किसी बियर बार में। लगता है ऐसा ही हुआ है, लेकिन बात तो बताओ तुम क्या लोगी? ऐसे वक्त पर तो विस्की होनी चाहिए। विस्की? तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी। आओ बैठो। आराम से बात है, क्या बात है। ऊ ला ला।
आओ जाने मन, विस्की पियो। आप पियो। अरे पियो 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 पियो। तुम तो मुझे ही पिलाए जा रही हो, खुद भी तो पियो। जाने मन, अगर मैंने ज्यादा पी ली ना तो हमारे आगे का प्रोग्राम का क्या होगा? वो खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। यस। ये भी तुम पियो। साकी शराब लाइफ बन गई आज। पियो। जाने मन, तुमने मुझे इतनी पिला दी है, इतनी पिला दी है कि मुझे सुसु करने जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? जाओ। हैं? आज तो जन्नत है। तू लौट के तो आ कोठारी, आज के बाद तू किसी को बर्बाद करने के लायक ही नहीं रहेगा। पियो ना। तुम भी तो पियो। क्यों कोठारी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम इस दुनिया में ना चंद मिनट के मेहमान हो। कैसे? तुम जब गए थे ना शुशु करने, तो मैंने तुम्हारे शराब में जहर मिला दिया था। नहीं, ये क्या कह रही तुम? जहर मिला दिया था? ये नहीं हो सकता। मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? पहचानो मुझे, याद करो। देख मुझे गौर से देख, मैं वही शन्नो हूँ जिसे तुमने शालू बनने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। देख, ठीक एक मिनट बाद तेरी मौत होगी और मौत के शिकन तेरे चेहरे पर मंडरा रहे हैं। एक मिनट, किसी को बुला सकता है तो बुला ले, बच सकता है तो बच ले। ऐसा करो जी, फोटोग्राफ ले लो। यस सर। दुबे। यस सर। क्लास को फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो। ओके सर। अच्छा सुनो, फोटोग्राफ सही तरीके से ले। यस सर। चारों तरफ से लीजिएगा, चारों तरफ से। रात को कौन कौन मिलने आया था पता करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। अरे यार राजेश, ये तो बता, तेरा शालू का जो चक्कर है वो चल रहा है? कहां तक पहुंचा कि खाली बातों में गाड़ी अटक गई? पहले आप, पहले आप। यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शालू का कहना है कि वो एक बार डांसर है और मैं एक शरीफ घर का लड़का। क्या शरीफ लड़का? क्या उसे मालूम नहीं कि शरीफ लड़के बियर बार में नहीं जाते?
अरे वो देख, प्रोफेसर पांडे आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश, तुम लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। मैं समझता हूँ तुम लोग ना नहीं करोगे। ऐसी कौन सी बात है सर, आप बोलिए तो सही। हमारे प्रिंसिपल साहब के पास एड्स रिलीफ संस्था के कुछ लोग आए हुए हैं। उनकी इच्छा है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स रेड लाइट एरियाज में जाकर वहां की लड़कियों को एड्स जैसी भयानक बीमारी के बारे में बताएं। ये तो बहुत नेक काम है सर। इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे। हाँ सर, इस प्रोग्राम को करने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी हम करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि प्रोग्राम करना कब है। कल सुबह 10 बजे। ठीक है सर, ठीक है, बाय। बाय सर। जलेवा बीमारी एड्स है, जलेवा बीमारी एड्स है। एड्स की न कोई दवा, ये तो ला इलाज है। इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। एड्स की न कोई दवा, ये तो ला इलाज है। इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। ये भी कैसी बेबसी लाश जैसी जिंदगी, ये भी कैसी बेबसी लाश जैसी जिंदगी। एड्स की न कोई दवा, ये तो ला इलाज है। इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। जिसको लगा रोग ये वो अपनी जान से गया, कोई बचा ना सका, वो मौत ही पा गया। जलेवा बीमारी एड्स है, जलेवा बीमारी एड्स है। बुखार हरदम रहे, घटता ही जाए बदन, प्रतिरोध शक्ति खत्म, घटता ही जाए वजन। जलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। जलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। Thank you.
अनजाने संसर्ग में कोई सुरक्षा नहीं, निरोध अपनाइए बेहतर सुरक्षा यही है। जलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। जलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। एड्स की न कोई दवा ये तो ला इलाज है, इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। एड्स की न कोई दवा ये तो ला इलाज है, इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। ये भी कैसी बेबसी लाश जैसी जिंदगी, ये भी कैसी बेबसी लाश जैसी जिंदगी। एड्स की न कोई दवा ये तो ला इलाज है, इस बीमारी का नाम मौत की आवाज है। जानलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। जानलेवा बीमारी एड्स है, एड्स है। हेलो, राय साहब, राणा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे भाई सुबह सुबह फोन कैसे किया आज? कोठारी की मौत हो गई है। क्या? हाँ, कल रात किसी ने कोठारी का होटल में खून कर दिया, क्या कह रहे हो? हाँ, अभी अभी अपने इंस्पेक्टर दुबे का फोन आया था कि कोठारी की मौत हो गई है होटल में। ओहो, लेकिन ये हुआ कैसे? कल रात होटल में उसके साथ वो डांसर थी, कहीं उस डांसर ने तो कोठारी का खून नहीं कर दिया? नहीं राय साहब, दुबे ने यह बताया कि कोठारी ने ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए उसका हार्ट फेल हो गया। चलो अच्छा हुआ, साले को इतनी बार समझाया कि लड़कियों को देखकर उतावला मत हो, माना नहीं, गया अपनी जान से। अच्छा, तुम ऐसा करो कि बिहारी के पास जाओ और उससे कहो कि ये डांसर से मिलकर ये हकीकत क्या है इसके पीछे ये मालूम करे। हाँ, ओके राय साहब। हेलो, बिहारी बोल रहा हूँ। हाँ बिहारी, कैसे हो? क्या शालू जी, आपको मालूम है कोठारी साहब का कल देहांत हो गया है? हाँ, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। अब देखो ना, मैंने उनके साथ 4 घंटे बड़े प्यार से बिताए और कहने लगी मैं सोना चाहता हूँ, तुम जाओ। मैं चली गई और देखो ना कैसा हादसा हो गया। क्या कर सकते हैं बिहारी। पुलिस को अब तक ये नहीं मालूम कि आप वहाँ गई थी। तो क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं 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 नहीं, राणा साहब ने मना किया है, कल मैनेजर ने आपका नाम नहीं बताया। मालूम भी पड़ गया तो क्या हुआ, मैं तो सीधा कह दूंगी भाई मैंने पैसा लिया और धंधे पे गई, ये तो मेरा पेशा है। अरे नहीं नहीं सालू जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अरे वो कोठारी साहब तो पीते ही इतना थे, मैं तुम्हें राणा के पास जल्द ही भेज दूंगा। नहीं बिहारी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर कल को उनको भी कुछ हो गया तो बोलोगे मैंने किया। खैर छोड़ो इन बातों को, कल राणा साहब के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। हाय शालू। आओ राजेश, बैठो। हाय। कहो। थैंक्स। कैसे आना हुआ? बस यूं ही शालू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। राजेश, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है कि परछाई के पीछे भागोगे ना तो कभी हाथ नहीं आएगी, मेरी जैसी लड़की तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। मुझे तुम्हारे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मरते दम तक चाहता रहूंगा और तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। सी यू शालू। शालू, लड़का तो सीधा साधा है, तुम अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर उससे शादी कर लो। राणा, हाँ? इस कोठारी को बहुत समझाया कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़, मत पड़, मेरी बात नहीं माना और वही हो गया जिसका डर था। राय साहब, मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते। अरे भाई, हार्ट पेशेंट को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वरना उसे कभी भी अटैक आने का खतरा है, और वही हुआ, अटैक आ गया।
अच्छा अच्छा, अब समझा कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे आओ भाई बिहारी आओ। अरे क्या बताए राय साहब, बड़ी मुश्किल से पटाया उस डांसर की बच्ची को। कह रही थी कि अगर कोठारी साहब की तरह कहीं राणा साहब भी भगवान को प्यारे हो गए ना, तो पुलिस वाले और आप लोग उसी को खूनी समझेंगे। सोच लो राणा, लफड़ा भी हो सकता है। राय साहब इसमें सोचना क्या, आज की शाम शालू के नाम। रीटा, कोठारी तो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ। बच्चे दो, राय और राणा, जब तक मैं इन दोनों को खत्म ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी। आओ मेरी जान, आओ। जब से तुम्हारे बारे में बिहारी से सुना था और तुम्हारी तस्वीर देखा, मैं तो पागल हो गया हूँ। इतना पागलपन भी अच्छा नहीं राणा साहब। आपको आपका दोस्त कोठारी याद नहीं? कहीं उसकी तरह आपकी दिल की धड़कन रुक ना जाए? अरे कोठारी तो नामर्द था, मैं तो मर्द हूँ मर्द। वो तो आप लोग ही जाने कि कौन मर्द है और कौन नामर्द। फिलहाल ये तो बताइए राणा साहब कि इस कनीज को आपने अपने फ्लैट पर क्यों बुलाया है? आपको अपनी पत्नी से डर नहीं लगता? अरे नहीं डार्लिंग, मैंने वो झंझट आज तक पाला ही नहीं, क्योंकि मैंने शादी की नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक मैंने शादी की नहीं। अरे मैं तो रोज नई नई शादी करता हूँ और सुबह भूल जाता हूँ। अब तुम जल्दी से अपने कुछ जलवे दिखा दो। जलवा? मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही है मेरी जान। अभी दिखाती हूँ आपको जलवा। अरे कहाँ जा रही है भाई? जलवा तो मैं अभी दिखा सकती हूँ राणा साहब। पहले ये तो बताइए किस तरह का जलवा देखना पसंद करेंगे? अरे उस तरह का जलवा जिसे देखने के बाद मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। गुलाम तो मैं आपको बना कर ही रहूंगी। बस गुलाम बनने के लिए वो जलवा देखना चाहता हूँ। लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अरे बोलो तुम्हारी कौन सी शर्त? वो ये। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। वो ये कि जब तक मैं नहा कर ना आऊं, तब तक आपकी ये शराब की बोतल खत्म हो जानी चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम जाओ स्नान करने, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। बस इतनी सी शर्त है, तो लो मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? अगर तुमने आने में देर की तो इसको खत्म करके मैं अंदर आ जाऊंगा। ओके डार्लिंग, ओके बाय।
गया शालू डार्लिंग। आइए ना। आ रहा हूँ। क्या लग रही हो तो? अभी मैं आपको अपना चलवा दिखाऊंगी। आपको जन्नत की सैर करवाऊंगी। क्या खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। इधर आ गया। ऐसे मजा आ गया मेरी जान। ठंडे पानी में मजा आ गया। राणा साहब, आपको ऐसे जन्नत की सैर करवाऊंगी कि आप सीधा जन्नत में पहुंच जाएंगे। मुझे उसी का इंतजार था। अरे तुमने मेरा हाथ क्यों बांध दिया? देख कमीने, होश में आ। देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, मौत। उस दिन रात को तुम लोगों ने मुझ पर रहम किया था, जो मुझसे रहम की उम्मीद कर रहा है। अरे मैं तो तुझे कब का मार कर ऊपर पहुंचा चुकी होती, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती थी कि मौत कितनी भयानक होती है। देख आज मैं तुझे कोठारी के पास पहुंचा कर ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो। अच्छा, उस दिन भी तो मैं तुम लोगों के आगे रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, तो क्या तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था? तो आज भला मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? लेकिन आज तेरी मौत होगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। देख, देख, नहीं। देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। कैसे मारती? मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं भी चिल्लाई थी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे बचाने। चिल्ला। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। दुबे, जरा इधर उधर देखो, कोई क्लियो तो नहीं है? वह तो देख रहा हूँ साहब। बड़ी बेरहमी से मारा इसको। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, जल्दी जल्दी। सरकार की जय हो। कहिए राय साहब, कैसे बीती राणा साहब की रात? अरे रात गई तेल लेने। बिहारी के बच्चे, तुझे पता नहीं कि कल रात राणा का खून हो गया? क्या कह रहे हैं सरकार? हाँ, जो तू सुन रहा है। और एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि कल रात जब टब में राणा को बिजली का करंट देकर मारा गया, तब शालू उसके साथ थी या नहीं। बात तो सोचने की है सरकार। बिहारी, हाँ रहे साहब। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। एक काम करो, शालू के बारे में ये पता चलाओ कि वो कहां कहां जाती है, किन किन लोगों से मिलती है, और डांस करने के अलावा और क्या क्या करती है। ठीक है, मैं आज ही उसकी जन्म कुंडली निकालता हूँ और आपके साथ प्रोग्राम भी फिक्स करता हूँ। चलो सरकार। रामू जी। जी मालिक। छोटे सरकार को बुला कर लाओ। जी मालिक। चालू, अगर तूने कोठारी और राणा का खून किया है और उसके बाद तू अगर मेरी फिक्र में है, तो एक बात याद रखना,
कि तेरा ऐसा बुरा हशर करूंगा, ऐसा बुरा हशर करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे ऐसे फाड़ूंगा जैसे बच्चे पतंग लूटने के बाद पतंग को फाड़ देते हैं। दुबे, मुझे पूरा विश्वास है कि होटल में उस रात कोठारी के साथ कोई लड़की जरूर थी। तो मैं ऐसा करो, होटल के मैनेजर से
पुलिस की भाषा में पूछताछ करो। सर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। दुबे, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही क्या करो। ठीक है सर, आप कहते हैं तो कल सवेरे ही पूछताछ कर लूंगा। अच्छा दुबे, मैं चलता हूँ, बाकी तुम देख लेना। ठीक है सर। रीटा, उन दोनों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है, बच गया है उनका बॉस राय। शालू, अगला कदम जरा सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वो अपने दोस्तों की मौत के बाद यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ। मुझे राणा साहब के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए। कल आप राणा साहब के घर पर गई थी, वहां आप किस सिलसिले में गई थी। देखिए, मैं हूं बार की डांसर और प्राइवेट डांसर। जब भी किसी को प्राइवेट शो करना होता है तो मुझे अपने पास बुला लेता है। उसी तरह से कल मैं राणा साहब के पास गई, डांस किया और आ गई। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, बहुत खास बात है। कल राणा साहब की मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई, लेकिन ये तो सिर्फ पुलिस को उलझाने का एक बहाना है। एक्चुअल में उनका कत्ल हुआ है। कत्ल किसने किया होगा? मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो एक नए गलती कर बैठता है और वो कानून के शिकंजे में आ जाता है। फिर तो आपको फौरन पकड़ लेना चाहिए। उसे तो हम जरूर पकड़ लेंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जी शालू, अगला शिकार जरा सोच समझ कर करना। अब तो पुलिस को भी तुम पर शक हो गया है। राय साहब को उनके फार्म हाउस पे होशियारी से मारना। तू फिकर मत कर रीटा, शालू नाम है मेरा। हेलो, खार पुलिस चौकी। हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन। अरे भाई इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? हाँ, आज राय साहब का खून होने वाला है उनके फार्म हाउस पर। क्या, राय साहब का खून होने वाला है? अरे कौन बोल रहा है? अरे भाई कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, राय साहब का खून होने वाला है, यानी कि मुझको जाना चाहिए। हाँ सालू जी, मैं बिहारी बोल रहा हूँ। कल राय साहब ने आपको फार्म हाउस पर बुलाया है, ठीक समय पर पहुंच जाना। ठीक है बिहारी, मैं कल शाम को राय साहब के फार्म हाउस पर पहुंच जाऊंगी। राय, कल तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी और मेरा आखिरी इंतकाम। छोड़ो ना।
दे नशा खाते जवानी तेरे छे निगाहें काले जुल्फे चिकनी चिकनी बाहें चलती हुई है महकती ये सांसे रंगीन कर दे तू ये मेरी रातें मचलती हुई है महकती ये सांसे रंगीन कर दे तू ये मेरी रातें सांस को हाँ सांस में खोने दे जरा कातिल जवानी तेरे छे निगाहें काले जुल्फे चिकनी चिकनी बाहें प्यार से प्यार दे जिंदगी प्यार है कहते जवानी तेरे छे निगाहें काले जुल्फे चिकनी चिकनी बाहें अंदर नहीं डाली ऊपर 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 तो कोई कमरा नहीं है छत है टेरेस टेरेस पे चले नहीं पता है मैंने तुम्हारे शराब में कोठारी की तरह जहर मिला दिया है जहर 5 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी तू मजाक कर रही है नहीं जहर मौत तू मजाक कर रही है मैं शन्नो हूँ शन्नो 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 हाँ तुम लोगों के कारण मैं शन्नो से शालू बनी शालू अब तेरी मौत होगी मौत मौत हाँ नहीं मौत नहीं हाँ तेरे चेहरे पर मौत का शिकन आ गया है हाँ अब तेरी मौत होगी मौत वाके बिहारी अब तेरी बारी सो गए होंगे इतनी जल्दी आ गई इतनी जल्दी आ गई हाँ मैंने तुम्हारे बॉस को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है क्या सातवें आसमान क्या बात कर रही है तू पहचानो मुझे अरे मैं वही शन्नो हूँ जिसे तुमने शालू बनने पर मजबूर कर दिया था आज तो नहीं बचेगी अच्छा मार हट जा दुबे तू मुझे बांके बिहारी से नहीं सुनो हिसाब किताब करने दे मेरी बात तो सुन माफ कर दूं सुनो अच्छा मुझे माफ कर दूं मुझे माफ कर दे ठीक है ले मुझे माफ कर दिया मुझे माफ कर दे अरे अब तेरी बारी है दुबे हमारी बारी है हमको कब बांके बिहारी समझी है अरे हमको कब बांके बिहारी समझी है ए छोकरिया हम बांके बिहारी थोड़े ही हैं हमारा नाम इंस्पेक्टर दुबे है दुबे अरे हम पुलिस में काम करता हूँ और दुबे का निशाना कभी नहीं चुकता
आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे कहे आया तू, बीच में कैसे आ गया? अबे हट, मैं कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो। ए छोकरे, मैं कहता हूँ बाजू हट जा, वरना तेरे को भी छोकरिया के साथ गोली मार दूंगा और सवेरे अखबार में छपेगा कि दोनों एनकाउंटर में मारा गया। मैं कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो। सर आज तामी का नहीं छोड़ूंगा, आज हमको कोई नहीं रोकेगा। हमको भी बाके बिहारी की तरह मारा रे। इंस्पेक्टर साहब। सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए आपने गोली खा ली। मैंने तो पुलिस वालों का फर्ज निभाया है। चलो शालू, जल्दी हॉस्पिटल ले चले। डॉक्टर साहब, रवि वर्मा की अब तबीयत कैसी है? उनकी गोली तो निकाल दिया हूं, लेकिन उनके बदन से काफी खून बह चुका है, इसलिए उनको खून की सख्त जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? उनका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। ए नेगेटिव तो मेरा भी है। वेरी गुड, तो आप आइए मेरे साथ। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। मैं रोहित वर्मा। इंस्पेक्टर रवि वर्मा का स्टेटमेंट लेने आया हूं। अब उसकी हालत कैसी है? अब वो खतरे से तो बाहर हैं। मैंने उनके जिस्म की गोली को निकाल दी है, उनको खून की सख्त जरूरत है। वैसे दो बोतल खून तो मैं चढ़ा चुका हूँ, बाकी बोतल के लिए मैंने कंपाउंडर को भेजा है। अच्छा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? उनका ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव। वो तो राजेश का भी है, लेकिन इनका खून हम उन्हें नहीं चढ़ा सकते। वो क्यों? क्योंकि इनको एड्स है। ओह नो डॉक्टर। यस इंस्पेक्टर। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मना करता था कि इन नीच बिगड़े लोगों के साथ मत घुमा करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात न मानी और आज इस हाल तक पहुंच गए तुम। भैया, भगवान के बाद मैंने आपकी पूजा की है। मैं सच कहता हूँ, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया भैया। इंस्पेक्टर रोहित, ये कोई जरूर नहीं है कि बाजारों औरत के पास जाने से ही एड्स होता है। एड्स के और सारे कारण होते हैं, जैसे डिस्पोजल नीडल्स का दोबारा इस्तेमाल करना या एड्स रोगी के खून को दूसरे रोगी को चढ़ाना। और भी कई कारण हैं, जैसे एक दूसरे के ब्लेड से दाढ़ी को बनाना। गुप्त रोगों को छुपाने से भी एड्स होता है। बहुत लक्षण है इसके। एड्स से बचने के लिए आप हमेशा निरोध का ही इस्तेमाल कीजिए और एड्स से पीड़ित मरीज के खून को दूसरे के खून से लगने से भी एड्स हो सकता है। एक दफा बार में मैं और शालू एक हादसे में लहू लुहान हो गए थे। और इस तरह मैंने उसकी जान बचाई। तो इसका मतलब है उस लड़की को भी एड्स है। ओह नो डॉक्टर। जज साहब, यह है मेरी दास्तां। अब आप जो चाहे सजा दीजिए, मुझे मंजूर है। मिस शालू, अदालत को आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन फिर भी आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए अदालत आपको। अरे जज साहब, कानून को अगर शालू ने अपने हाथ में न लिया होता तो आज रवि वर्मा की मौत हो चुकी होती। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। आप गीता पर हाथ रखे कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। जज साहब, मुकुंद दुबे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कलंक था, बदमत दाग था वो हमारे लिए। अगर शालू मौका वारदात पर पिस्तौल नहीं उठाती तो मुकुंद दुबे और बिहारी दल्ला, इंस्पेक्टर रवि वर्मा और शालू दोनों को मार डालता। ये बात आपको कैसे मालूम? जज साहब, मैं अभी भी हॉस्पिटल जाकर इंस्पेक्टर रवि वर्मा का स्टेटमेंट लेकर आया हूँ और ये रहा उनका स्टेटमेंट। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इंस्पेक्टर रोहित वर्मा के बयान को देखते हुए और रवि वर्मा के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस शालू बेकसूर है, इसलिए अदालत
मिस शालू को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। भैया अब तो अदालत ने भी शालू को माफ कर दिया है, आप भी इसे माफ कर दीजिए। इस अदालत ने तो शालू को माफ कर दिया, लेकिन उस ऊपर की अदालत ने शालू को माफ नहीं किया। मतलब तुम्हें एड्स है शालू। क्या एड्स? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे साथ राजेश को भी है। क्या? लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, तो राजेश को? हाँ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन उस दिन क्लब में जब मारामारी हो रही थी, तुम दोनों का खून एक दूसरे से मिल गया। नहीं, इसकी सजा तो मुझे मिलने वाली थी और मिल गई, क्योंकि मैंने अपने भोले भाले माँ बाप का दिल दुखाया, मेरी वजह से उनका देहांत हो गया। शालू, जो होना था सो हो गया और जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और राजेश जब तक तुम दोनों के सांसें हैं तब तक तुम दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करो, और पूरी जिंदगी जब तक तुम्हारी सांसें बची हैं पूरी जिंदगी आराम से गुजारना, यही मेरी शुभकामनाएं। चलो शालू, शायद ईश्वर को हमारा मिलन इसी रूप में मंजूर था।